अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये है जी वियर्ड फूड चैलेंज बिहाइंड द सीन, तो वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी हम। अभी मैं जा रहा हूँ जी और शूट करने के लिए छोड़ लेने। तो ये जी डब्बी ले लिया हमने छोड़ लोगी। ये जी बोतलें वगैरह मैंने इकट्ठी कर ली है निशानों के लिए, तीन तीन बोतलें तो और छह ये टिन पैक कर लिए हैं, छह बोतलें छह टिन पैक कर लिए हैं। तो अभी बोतलों में पानी भर देंगे और टिन पैक में भी पानी भर के इसके बाद में पानी भरेंगे, इसमें पहले भर लेंगे। और ये मेरे पास बर्तन है, इनमें जी हम बनाएंगे रेसिपी, अभी इन्हें धो लेते हैं। अभी जी सारा सामान मैंने यहाँ पे ला के रख लिया, अभी बनाते हैं वियर्ड फूड कोई अच्छा सा करके ताकि ना मजा आ जाए चैलेंज करने में और खाने वाले को भी मजा आ जाए। तो ये जी मेरे पास चाय, ठंडी चाय पड़ी थी, तो अभी इसी को सारे में मिक्स कर लेते हैं। तो चाय डाल दिया, ऐसे करेंगे कि जो पहला स्टेप होगा उसमें थोड़ा सा हल्का सा रखेंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रेजुअली हम वो जो वियर्ड अपना फूड है वो ज्यादा वियर्ड करेंगे लास्ट राउंड तक। तो ये जी हमारा पहला वियर्ड फूड होगा, तो उसमें मैं डालूंगा जी चाय, चाय के साथ डाल देते हैं शहद, शहद डाल दिया है, उसके साथ डाल देते हैं ये जी लाल मिर्च थोड़ी सी डालेंगे, बस ठीक है। ये हमारा पहला हो गया, अब दूसरे में ये हमारे पास चटनी पड़ी है दही वाली, तो इसे डालेंगे चाय में और इसके साथ फिर शहद डाल देंगे और डालेंगे चाट मसाला, इसे मिक्स कर देते हैं। तो अभी ये तीसरी चौथी पांचवी रह गई है, तो इसमें हम ये जितना भी सारा कुछ इसमें डालेंगे ये स्टेप बाय स्टेप सारा हम करेंगे। तो इसमें फिर से एक चमची यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ भी डाल देते हैं और यहाँ भी डालते हैं शहद जो है, इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया चाट मसाला जो है, इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, लाल मिर्च इसमें भी डाल दी, इसमें भी डाल दी, इसमें भी डाल दी और ये भी डाल दी, सोया सॉस इसमें डालते हैं, इसमें भी डालते हैं, इसमें भी डालते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूँ। तो ये जो चिली सॉस है वो इसमें डालेंगे, वो ज्यादा डलगी इसमें डालेंगे। तो और ये आ गया जी व्हाइट विनीगर, ये लास्ट वाले में डाल देंगे सिर्फ, ठीक है। और पत्ती भी सिर्फ लास्ट वाले में डाल देंगे। तो अभी मैं देखूंगा अगर मुझे कोई और चीज भी मिल जाए तो वो भी इनमें मिक्स करके, तो अभी मैं देखता हूँ लाता हूँ वो भी। एक और दो चीजों का इजाफा करने लगे हैं, चार भी ले आया हूँ और एक ये शामी पड़ी थी घर पकड़ी थी अभी, तो ये लास्ट वाले में ये डाल देंगे, शामी और चार दोनों चीजें साथ साथ। तो ये लास्ट वाला ना वो मुश्किल भी होगा और उसे कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा वेट करने की। चार ना मेरा खराब हो जाए, दही वाला मैंने बीच में डाल दिया, तो अभी इन सबको मिक्स कर लेते हैं अभी। अच्छा देखो, अभी मैं आपको इन चारों की शक्लें दिखाता हूँ कैसी हैं। ये जी सबसे लास्ट वाला, ये फोर्थ वाला, ये थर्ड वाला, ये सेकंड वाला और ये है फर्स्ट वाला। ये जी हमारा वियर्ड फूड जो हमने बनाने की कोशिश की है, तो अभी देखने में आपको पता नहीं कैसी लग रही है, अभी खा के पता चलेगा कि ये कैसी है। तो अभी मैं ऊपर लेके जाता हूँ सारा सामान और वहां पे सेटिंग करते हैं। और अभी जी वियर्ड फूड अपना जो है वो मैं लेके जा रहा हूँ अभी छत पे, मुनीब भाई मेरे साथ देते हुए अभी यहाँ पे सारा कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। मुजम्मल ने भी बुला लवा, मुजम्मल आजा नबी भाई। तो जी अभी छत पे हम तैयारी शैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो मुजम्मल भाई भी छत पे आ गए, आ जाओ मुजम्मल भाई, आ जाओ मुजम्मल भाई, अपनी गाड़ी वगैरह वहां पे रख दी है, तो अभी छत पे आ गए हैं। तो ये जी हमने तैयार किया वियर्ड फूड। ये क्या है? ये अभी मैं बताऊंगा नहीं, ये ऑडियंस को पता है, मेरी दूसरे दिन वीडियो आएगी तो उन्हें पता है कि इसमें क्या है। बस तैयार हो, कैसे देखने में कैसी लगी? तो अभी जी सेटिंग वगैरह हो रही है कैमरे वगैरह के, वहां पे हमने बोटल्स रख दी हैं। तो ये मुनीब भाई है अभी कैमरे वगैरह, तो हमारे नबीब भाई हमारे कैमरा मैन होंगे। तो ये टिन पैक है, इसमें हम अभी पानी भरेंगे, वो वहां पे मुनीब भाई अपना कैमरा सेट कर रहे हैं। तो ये इनमें भी पानी भर लिया हमने, अभी हम सोच रहे हैं कि कोई चीज आती तो नहीं है। ये हमारा जी फर्स्ट राउंड होगा, ये वाला तीन बोतल एक बंदे को मिलेंगे तो वो तीन दूसरे को मिलेंगे, इसी तरह तीन ये तीन पैक है तो ये भी तीन ही मिलेंगे। तो आज ये बियर्ड फूड भी मतलब भाई देखी जा रही है कि क्या बता दिया। तो ये हमारा बियर्ड फूड है, आपने भी नहीं देखा अगर भी भाई पहले नहीं, मैंने भी ये हमारा बियर्ड फूड है जो कि हारने वाले बंदे को हम खिलाएंगे। तो चलिए आपको पता ही है मैं लेके आ गया था बाजार से। हाँ एक चीज रह गई है, अब वो गन हम दिखाते हैं। तो ये होगी जी हमारी गन, ठीक है जी। नहीं भाई इसका भी देखना, ये कहाँ पे सेट करना है, जरा बंदा शूटिंग करे ना। हाँ
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं जी हमारी बियर्ड फूड चैलेंज। तो हमारे साथ जो मेरा मुखालिफ प्लेयर है ये मुदम्मल है, मुदम्मल भाई। तो बड़े बहुत बड़े ये निशाने पास हैं ये, तो मुझे तो निशाना नहीं लगाने आता। तो गेम ऐसे है कि हमारे पास ये जी शूटिंग गन, तो ये इसके 5 राउंड होंगे। तो 5 राउंड में हर ऐसे है कि 5 राउंड ऐसे आगे 5 राउंड होंगे। तो जो फर्स्ट राउंड है उसमें जी 5 आपको छल्ले दिए जाएंगे दोनों खिलाड़ियों को, उनमें से उसने कम से कम 3 जो छल्ले हैं वो लगाने हैं निशाने पे। तो टारगेट वो सामने टारगेट पड़ा है, 3 बोतलें ये फर्स्ट राउंड के लिए। जैसे जैसे राउंड आगे जाता जाएगा वैसे वैसे ये जो मुकाबला है जो हमारा टारगेट है वो भी सख्त होता जाएगा और छोटा होता जाएगा। निशाना ना लगाया इस बंदे ने भी, तो उसे ये खाने पड़ेगा। ये वियर्ड फूड मैंने तैयार किया के लिए जी है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा हमारा चैलेंज आज का। होली तेरा बोल है, तू अन्ने स्पीड शुरू की थी है। मैं कह दे होली आ साल है के तू अन्ने भाई रटा मार रहा है। एक इधर नल ठीक है निकाल सुन, हम 10 पहली बारी केडी है कैमरा फ्रंट से लाके नॉन भाई देता हूं फोटो शुरू कर। ओए सिक्का आएगा किसी को? तो अभी हमारी होने लगी है टास। ठीक है ठीक है, 1 2 3 4 5 छल्ले मैंने ले लिए, 5 छल्ले हैं ये आपके सामने ही हैं, ये मैंने ले लिए हैं छल्ले। तो भाई तू देख कंधे तो है ना, ठीक है ना कंधे तो चल ले आ, तू कंधे तो पापा ने ओटे कर ले सर। वाह, दूसरा भी है वो, तो छल्ले नहीं पे वो, तो 2 पे आप बोल देना चेक कर ले इतना करो बेटा फिफ्थ राउंड का सूल है कि ये सारा खाना है। हो सारा खाना है। ए, 3 स्कूप आए थे जरा हरिया, अरे दोनों टाई हो गए, 2 2 स्कूप दोनों दे। ठीक है तो कैसे लगे जी बिहाइंड द सीन्स? उम्मीद है आपको हमारा फूड चैलेंज जो है वो पसंद आया होगा और आपने काफी एंजॉय की होगी। ये वीडियो बिहाइंड द सीन्स भी आपने एंजॉय किए होंगे कि कैसे हमने मेहनत की और कैसे ये वीडियो बनाई थी हमने। तो हमारी काफी मेहनत हुई है इस वीडियो में, तो हमने कोशिश तो बहुत की है कि आपकी उम्मीदों के मुताबिक हम इस वीडियो को लेके आए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, तो इसे जी करें दोस्तों के साथ शेयर ताकि हमें सपोर्ट मिले और हमारी मोटिवेशन बने, तो हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहे। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।